हेलो बच्चे, कैसे हो आप सभी लोग। तो अभी ये जो वीडियो है ये फिफ्थ क्लास के लिए रहेगी। तो इस फिफ्थ क्लास की वीडियो जो मैंने स्टार बैच स्टार्ट किया है तो आपको पता ही होगा बेटा। तो मैं स्टार बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। इस बैच में मैं आपका जो फिफ्थ क्लास का जितना भी साइंस का सिलेबस रहेगा वो पूरा फुल कम्प्लीट करवाऊंगा। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूंगा कि इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो, ताकि जो आने वाली हर एक वीडियो है वो आपको ढूंढनी ना पड़े, आपके डायरेक्ट आपके चैनल पे आ जाए, आपको डायरेक्ट YouTube के ऊपर फ्रंट पे ही मिल जाए। तो बेटा आज जो हम करने वाले हैं वो नर्व सिस्टम करेंगे। तो नर्व सिस्टम में एक न्यू चैप्टर आपकी बुक का बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना है। आपने अपनी एनर्जी को बूस्टअप करना है। तो एनर्जी अगर बूस्टअप करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। तो मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं कि मेरे साथ पढ़ के आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अगर आपको मजा आ जाए तो आपने कमेंट करना है, ठीक है बेटा। तो आपने पढ़ने से पहले अपनी एनर्जी को बूस्ट करना है। तो बूस्ट कैसे करोगे, तो थोड़ा सा डांस करके करोगे। तो थोड़ा सा डांस कर लो, ठीक है। अगर डांस करोगे तो आप में थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी, और जिस एनर्जी के साथ आप पढ़ोगे तब आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, ठीक है जी। तो आज हम फिफ्थ क्लास का, मैं दोबारा से फिर बोल रहा हूं, तो आज हम स्टार बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस बैच के अंदर हम फिफ्थ क्लास की साइंस का जितना भी सिलेबस होगा वो पूरा फुल कंप्लीट करेंगे। वो हम ये नहीं देखेंगे कि पूरे साल में कंप्लीट करना है, वो 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, जितने भी मंथ लगेंगे उस मंथ में हमने कंप्लीट करके पूरे फुल सिलेबस को फिर रिवीजन में दे देना है, ठीक है जी। तो बहुत अच्छे तरीके से हम स्टडी करवाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपने स्टडी करनी है। तो ध्यान से आपने पढ़ना है, बहुत एक एक टॉपिक को आपने अच्छे तरीके से कवर करना है स्टूडेंट। तो आपने स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको क्या बोला कि थोड़ा सा प्यार मेरे लिए भी रख लो, ताकि आप उस प्यार को अपने कमेंट सब्सक्राइब और शेयर में बदल देना है। और पढ़ने से पहले आपने थोड़ा सा डांस जरूर करना है, और डांस करने से आपकी एनर्जी बूस्टअप हो जाती है और आपको पढ़ने में मजा आ जाएगा, ठीक है जी। चलो स्टार्ट करेंगे नर्व सिस्टम। तो नर्व सिस्टम के पहले हमने स्पेलिंग देख लेते हैं, कई बच्चों को स्पेलिंग नहीं आते होते। तो नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम में मैंने आपको ये वाला जो वर्ड लिखवाया नर्वस, तो आप कई बार बोलते हो कि हम तो नर्वस हो गए, मैडम ने, किसी सर ने, हमारे प्रिंसिपल टीचर ने, या किसी भी टीचर ने, स्कूल के किसी भी, आपके रिश्तेदार आ जाए तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कोई उन रिश्तेदारों का कोई अच्छा सा जो बेटा या बेटी कोई इंटेलिजेंट हो, आपसे थोड़ा सा भी इंटेलिजेंट हो, तो आपसे किसी ने कोई क्वेश्चन पुट कर लिया तो आप क्या हो जाते हो, नर्वस हो जाते हो, नर्वस हो जाते हो। तो वैसे वाला नर्वस की बात हम करेंगे, वही वाला नर्वस की बात करेंगे। वो फीलिंग कहाँ से आती है, आपको किसी से प्यार हो जाता है, आपको मम्मी पापा से प्यार है ना, तो आपको प्यार हो जाता है, आपको नफरत हो जाती है, मम्मी पापा ने थोड़ा सा डांट दिया तो आपको नफरत हो जाती है, आपको भाई बहन से प्यार है, तो प्यार कहाँ से आता है वो हम पढ़ेंगे इसी नर्व सिस्टम के अंदर। आपको आपको भूख लगती है, आपको सोना आता है, आपको सो जाते हो, आप उठ जाते हो, जो भी आपकी पूरी डेली लाइफ की जितनी भी आपकी फीलिंग्स है वो कहाँ से आती हैं, वो आपको आती हैं इस नर्व सिस्टम से। तो ये सारी की सारी हम जो फीलिंग्स हैं आपकी, जो भी आपकी एक्टिविटीज है, ये हम करेंगे। लेकिन आपको बताएंगे कि इस नर्व सिस्टम में जो मेन पार्ट है, जो आपको आपसे ये काम करवाते हैं, वो कौन कौन से हैं। आपको दर्द होता है, आपको फील होता है कोई टच कर रहा है, ठीक है, आपको सर्दी गर्मी फील होती है, आपको किसी ने ऐसे पिंच कर दिया वो आपको फील हो गया, आपको किसी ने ये मुक्का ठोक दिया तो आपको फील हो गया, टीचर ने चपेट मार दी तो आपको फील हो गया। तो ये सारी की सारी जितनी भी आपको फीलिंग्स हैं ये कहाँ से आती हैं, वो आपको इस सिस्टम से आती हैं, वो सारी हम पढ़ेंगे। आपको बताऊंगा कैसे ये सारी की सारी फीलिंग्स, आपको देखो एक पैर से जो आपको फीलिंग आती है, पैर में कुछ चुभ गया आपके, पैर में चोट आ गई, आप गिर गए, पैर में आपके कोई छोटा सा जख्म हो गया, इंजरी आ गई, तो उसका जो पेन है आपके दिमाग तक आ जाता है, आपके पूरी बॉडी में आ जाता है। वो कैसे आप फील करते हो कि हमें बॉडी के उस पार्ट में हमें क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, तो वो सारे का सारा हम इस नर्व सिस्टम में करेंगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 4, तो आप सभी बच्चों ने तैयार होकर के बैठ जाना। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ध्यान से करना, इस वीडियो को बड़ी एनर्जी के साथ आपने देखना है इस वीडियो को। और मैंने आपको बताया कि जब भी आप किसी वीडियो को देखते हो स्टडी वाली को, तो साथ में पेन कॉपी को जरूर रख लिया करो, कि पेन और कॉपी आपकी हेल्प करेगी नोट्स प्रिपेयर करने के लिए। वो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो आपको ऐसे सुनने में याद नहीं रहती, तो आपको उसको राइट करना जरूरी होता है। तो आपको मेन पार्ट्स बताता हूं, नर्व सिस्टम के मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। आपके मेन पार्ट होते हैं ब्रेन,
तो आपकी बुक में भी लिखा होगा, ठीक है, ब्रेन हो गया आपका, स्पाइनल कोर हो गया, मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत ली है, लैटिन है, स्पाइनल कोर हो गया, ठीक है। तो आपका एक होता है नर्व्स होती हैं, ठीक है, नर्व्स होती हैं, तो ये तीन हो गए, ब्रेन, स्पाइनल कोर और नर्व्स होती हैं। तो ये जो तीनों हैं, ये तीनों मिलकर के बहुत अच्छा फंक्शन जो है प्ले करती है नर्व सिस्टम में। और आपको बताना चाहता हूँ आपकी बॉडी के अंदर कितने सारे सिस्टम होते हैं। देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं, जैसे आप सांस लेते हो, आपका डाइजेस्टर सिस्टम होता है, खाना खाते हो आपका खाना डाइजेस्ट हो जाता है, वो डाइजेस्टर सिस्टम हो गया। आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम भी होता है, जब आप खाना खाते हो उसमें से कुछ वेस्ट मटीरियल भी निकलना होता है तो आपका वो एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, ठीक है। इसी फिल्ट्रेशन हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि आपका जितना खाना खाया, आपने जितनी ऑक्सीजन ली है, वो पूरे की पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो गया, किसके थ्रू, हार्ट के थ्रू, हार्ट में, ठीक है, हार्ट पंप करता है किसको, ब्लड को, ब्लड पूरे बॉडी में आपका जो न्यूट्रिशन है वो लेके चला जाता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो गया, एक फिल्ट्रेशन सिस्टम भी होता है। फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जो आपको मैंने एक्सक्रीशन बोला उसमें किडनीज क्या करती है, जो पूरी बॉडी का जितना भी फ्लूइड होता है, जितना भी आपका खाना पीना जो भी होता है आपका, वो सारा फिल्टर करके, आपका ब्लड फिल्टर करके जो वेस्टेज मटेरियल है उसको बाहर वॉश आउट कर देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे सिस्टम है। इसी तरीके से एक सिस्टम और भी है, वो है नर्व सिस्टम। नर्व सिस्टम मैंने आपको बताया, जितनी भी आपकी फीलिंग्स होती है, जितनी भी आपकी फीलिंग्स हैं, मारने तक की आपकी जो फीलिंग्स होती हैं और सैड होने तक की आपकी फीलिंग्स जो भी होती हैं आपकी, बहुत सारी की सारी फीलिंग्स ये नर्व सिस्टम लेके आता है। और इस सिस्टम में तीन पार्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। तो आपको आज इंट्रोडक्शन में ही लेके चलूंगा कि इंट्रोडक्शन अगर आपने ध्यान से सुन ली बहुत अच्छे तरीके से, बीच बीच में थोड़ा सा डांस कर लिया करो ताकि आपको एनर्जी बनती रहे, ठीक है, मेरे साथ भी डांस कर लिया करो आप। तो आपको बताना चाहता हूं कि आपने जब भी आपने ये वाला पढ़ना है तो पहले इंट्रोडक्शन करनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। कोई भी चैप्टर आप स्टार्ट करते हो तो इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व। तो स्पाइनल कॉर्ड की बात करूं, ब्रेन तो आपको पता है कि यहां पे आपका ब्रेन होता है, यहां पे तो यहाँ पे सिंग होते हैं आपके, यहाँ पे सिंग होते हैं, यहाँ पे ब्रेन होता है आपका। तो जो स्पाइनल कोड होती है, स्पाइनल कोड जो आपकी बैकबोन होती है, मैंने आप सभी को, वैसे बच्चों को पता ही होगा कि बैकबोन आपकी कहाँ पे है, रीढ़ की हड्डी, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम। तो जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर स्पाइनल कोड जो होती है सेफ होती है, उसके अंदर स्पाइनल कोड सेफ होती है, ठीक है। तो वो स्पाइनल कोड भी आपका ब्रेन की तरह काम करती है, आपने याद रखना, ब्रेन की तरह काम करेगी स्पाइनल कोड भी, आपको फील करवाएगी, आपको फील करवाएगी कि पेन हो रहा है, आपको फील करवाएगी कि ठंडी लग रही है, आपको फील करवाएगी चोट लग गई। वो पेन जो होता है वो आपका स्पाइनल कोड जो है एक्शन जो है रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं वो आपको आगे जाके करवा दूंगा, जो अभी मैंने बोला रिफ्लेक्स एक्शन, तो वो सारा कुछ करवा देंगे हम। तो मतलब मैंने आपको यहाँ पे क्या क्या बोला, रिफ्लेक्स एक्शन भी बोला, तो रिफ्लेक्स एक्शन आई लिखा है मैंने, आई तो रिफ्लेक्स एक्शन लिखा है मैंने, रिफ्लेक्स आर्क हो गया, आर्क रिफ्लेक्स आर्क हो गया, ये सारा हम आगे जाकर के पढ़ेंगे, लेकिन आज जो है इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि रीढ़ की हड्डी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। कई बार बोल देते हैं कि रीढ़ की हड्डी टूट गई तो आदमी का जो बॉडी का फंक्शन था वो खत्म हो गया, वो इसीलिए खत्म हो जाता है क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड हो जाती है, कुछ समय के लिए वो काम करना बंद कर देते हैं, जिसके कारण उसकी बॉडी जो है पूरी की पूरी रुक जाती है, काम नहीं करती, बॉडी पैरालाइज हो जाती है। कई बार आपको पता होगा कि आपकी बॉडी में कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे आर्म हो गई, पैर हो गए, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, स्लीप कर जाते हैं, सो जाते हैं कुछ समय के लिए, तो फिर आप उसको जगाते हो, ऐसे हाथ मार मार के जगाते हो तो वो नहीं उठते, लेकिन थोड़े समय के बाद वो उठना स्टार्ट होते हैं, तो आपको फीलिंग्स आती है। जब तक वो सो जाते हैं तब तक आप कुछ भी कर रहे हो तो आपको कोई फीलिंग नहीं आती, आप जो आप ऐसे पिंच कर लो, आप उसके ऊपर मार लो, आपको कोई फीलिंग नहीं आती, क्योंकि तब आपका नर्व सिस्टम, उस बॉडी पार्ट का नर्व सिस्टम क्या हो जाता है, बंद हो जाता है काम करना। तो इसीलिए देखो नर्व सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो चलना चाहिए, ठीक है जी। तो आपका नर्व्स होती है, नर्व्स जैसे एक वायर्स की तरह, जैसे वायर्स की तरह आपका नेटवर्क होता है पूरी बॉडी के अंदर। जो वायर्स कैसे बनी होती है, देखो इस तरीके से, मान लो ये आपका ब्रेन हो गया, ठीक है, तो ये आपका ब्रेन, ये आपकी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, जिसके अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है इसके अंदर रीढ़ की हड्डी के अंदर है। अब पूरी बॉडी में देखो इस तरीके से वायर की तरह नेटवर्क होता है आपकी बॉडी के अंदर, इस तरीके से बहुत ज्यादा नेटवर्क होता है, ये ऐसे चलता रहता है,
पूरा जैसे वायर्स का नेटवर्क होता है इस तरीके से, और ये जो वायर होते हैं इन्हीं को हम नर्व्स बोलते हैं। अब इन्हीं से सिग्नल आपका देखो यहाँ से मैसेज उठ करके आएगा, और यहाँ से मान लो यहाँ से ये वायर है तो कनेक्टेड है, जैसे वायर्स घर में वायर्स होती है तो आपने स्विच ऑन किया तो इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये वायर्स में से मैसेज आएगा तो पहले स्पाइनल कोर्ड में जाएगा, स्पाइनल कोर्ड से देखो इस तरीके से स्पाइनल कोर्ड में चला गया, स्पाइनल कोर्ड के बाद फिर ब्रेन में जाता है, ठीक है। अब ब्रेन ने काम करना स्टार्ट कर दिया कि सोचा कि अब ऐसा काम नहीं करना। मैं एक छोटी सी एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे मान लो कि आपको आपको कोई डरा रहा है आपके, देखो आप घर में अचानक इंटर कर रहे हो, ठीक है, घर में इंटर कर रहे हो तो किसी आपके फ्रेंड ने आपके भाई बहन ने सोचा कि चलो आज हम इसको डराते हैं, ठीक है। वो आपके डोर के पीछे जाकर के छुप जाता है, इस तरीके से छुप गया, आने दिया अब तो डराऊंगा उसको मैं। जब आप आते हो तब उसने क्या किया, तो आप उसने जब डराया तब आप भी डर जाते हो, तो मतलब एकदम से आपकी बॉडी के अंदर क्या आती है, हरकत आती है, किस तरह की डरने वाली हरकत आती है। तो आप अपने आप को सेफ करने के लिए क्या करते हो, पीछे हो जाते हो, एक आवाज आती है हाई बीबी वाली आवाज आती है, तो वो जो आवाज थी वो जो डर था आपका वो एक टाइम के लिए डर था। अब ब्रेन ने क्या कर लिया उस चीज को, देखो अब मैसेज आया पूरी बॉडी में से, मैसेज आया स्पाइनल कोर्ड तक, स्पाइनल कोर्ड ने एक्शन किया कि आप अभी के लिए बचो, कैसे बचो, आप दूर हो जाओ, ठीक है, आप आगे हाथ ले आते हो, आप थोड़ा सा पीछे हो जाते हो, अपनी आवाज लाउड करते हो बचने के लिए, वो सारा डिफेंसिव होता है पूरा का पूरा। जब स्पाइनल कोर्ड ने फिर वो सारा मैसेज ब्रेन को सेंड कर दिया तो ब्रेन अब उस मैसेज को कॉपी कर लेता है और दोबारा से फिर बताता है। मान लो अगर दोबारा से आप फिर चले जाओ बाहर और आपका जो भाई बहन है वो बोले कि आप दोबारा से फिर बाहर जाओ मैं आपको फिर डराऊंगा, तो आप डरोगे, नहीं डरोगे, आपको पता है अब आपके ब्रेन ने कॉपी कर लिया कि अब इस डोर के पीछे कोई खड़ा होगा, तो ध्यान से जाओगे आप देखते देखते, कोई है तो नहीं, ध्यान से जाओगे आप देखते देखते, अगर बेशक आप डरो ना, लेकिन आपने उसके ऐसे चपेट मार दिया कि डराता है मेरे को, रुक तू तेरे को बताता हूं मैं। तो इसी तरीके से ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल है। अब नर्व्स कहां से बनती हैं ये भी आपको मैं बताऊंगा। नर्व्स आगे फर्दर न्यूरॉन से बनती है, न्यूरॉन देखो, न्यूरॉन एक सेल होता है, न्यूरॉन सेल आपको थोड़ा बहुत अगर आइडिया होगा सेल क्या होते हैं, सेल छोटे 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 पार्ट होते हैं, छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं, ये सेल जब आपस में मिलते हैं तब फिर नर्व्स बनती हैं, और नर्व्स कनेक्टेड होते हैं स्पाइनल कोर्ड के साथ, और स्पाइनल कोर्ड ब्रेन के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो बेटा आज बस इस वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन ही आपको करवाई है कि आपको इस चैप्टर के साथ इंटरेस्ट बने, आपको पता चले कि इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ना है। तो जो कल हम पढ़ेंगे, जो आपकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए न्यू टॉपिक लेके आऊंगा, तो उसमें ब्रेन के कुछ जो पार्ट्स रहेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन एक आपको छोटा सा फैक्ट बता दूं, जो ब्रेन होता है आपका, जैसे ये लेफ्ट साइड हो गई और ये राइट साइड हो गई, तो आपने मैनेज कर लेना, ये मेरा लेफ्ट हैंड है तो ये लेफ्ट साइड हो गई और ये राइट साइड हो गई। तो आपको बताना चाहता हूं कि ये लेफ्ट वाला जो ब्रेन होता है ये आपकी राइट वाली, ये वाली राइट वाली जितनी भी बॉडी पार्ट है इनको कंट्रोल करेगा, और ये जो राइट वाला ब्रेन है तो ये आपकी लेफ्ट वाली बॉडी को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। मतलब अगर बात करूं तो ये राइट वाला लेफ्ट वाली आईज को, और ये लेफ्ट वाला राइट वाली आई को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जितना भी ये पार्ट्स होते हैं हमारे लेफ्ट और राइट ब्रेन के साथ कंट्रोल होते हैं, ठीक है जी। और इसीलिए मान लो कभी यहां पे चोट आ गई, तो लेफ्ट ब्रेन में चोट आ गई, तो आपका जो इधर वाला बॉडी पार्ट है ये वाला आपका इफेक्टेड हो जाएगा, उसके कारण ये चलना बंद हो जाएगा, या फिर मान लो कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है जी। तो आपने ध्यान से करना है। तो स्टूडेंट्स, मेरे को पता है कि आपको आज इस वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आया होगा, आपको इंट्रोडक्शन सुनकर के ही बहुत ज्यादा आपको इंटरेस्ट आ गया होगा साइंस में। जिन बच्चों को साइंस अच्छी नहीं लगती, आपको लगता होगा कि अब साइंस अच्छी लगने लगी हो इस वीडियो से। बेटा साइंस बहुत ज्यादा अच्छी है। अब इस साइंस में जितने भी सारे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं वो वैसे ओवरऑल सिलेबस बहुत ज्यादा अच्छा होता है, आप क्रिएटिव माइंड बन जाओगे अगर आप साइंस अच्छे तरीके से करते हो। तो आज इस वीडियो में इंट्रोडक्शन ही करवाया था, और बहुत, और ये सबसे बड़ी बात ये है कि इंट्रोडक्शन जो पार्ट होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मेन पार्ट होते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन से ही आप 40-50% जो चैप्टर है वो कवर कर लेते हो, क्योंकि इसमें जितनी सारी बहुत सारी नॉलेज वाली बातें होती हैं वो आपको करवाई जाती हैं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आपने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट
जरूरी से देखना है। तो मतलब ये वाला जो पार्ट है भाई नर्वस सिस्टम का, ओवरऑल जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू था, आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, क्या क्या इसमें आएगा, वो सारे का सारा है इसके अंदर। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम नेक्स्ट वाले पार्ट लेके आएंगे। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहो, प्यार देते रहो, सब्सक्राइब लाइक और शेयर करते रहो, और भंगड़ा जरूर डालते रहना। ठीक है जी, एनर्जी आती है डांस करने से, एनर्जी आती है।